मनीष जी, दो पीडीए हैं जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक बीजेपी का पीडीए, एक अखिलेश जी का पीडीए। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण जो मुझे और भी लगती है, जिस पर मैं चाहूंगा कि आप टिक्की टिप्पणी आए, लोकसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे पूरे प्रदेश में, और इस बार 9 सीट में 4 मुस्लिम दिए हैं, यानी करीब करीब 45% के आसपास की भागीदारी। नहीं मनीष जी, ये क्या बता रहा है? भाजपा के पीडीए के बारे में कुछ और जोड़ना चाहूंगा। विपक्ष का पीडीए कह सकते हैं, मैं भाजपा का पीडीए नहीं कहूंगा, भाजपा का पीडीएस कहूंगा, पिछड़ा, दलित और सवर्ण। भाजपा ने इस बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई करा है जो कि उन्हें लग रहा है कि पीडीए का जवाब होगा। ना ना, ये मनीष मनीष भाई एक बार, ये पीडीए ही हो जाएगा जो मैंने शुरुआत में कहा, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, उनका है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये पीडीए पीडीए। जी ठीक है, ठीक है जी। तो मैं जिस दिशा में सोच रहा था, पिछला दलित अगड़ा या पिछला दलित और सेकुलर, उस दिशा में भाजपा ने ये सोचा है और हरियाणा में इस पर वर्किंग भी करी है। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी फिर से MY कॉम्बिनेशन की तरफ वापसी कर रही है। जैसे आपने बताया ना, मुस्लिम मतदाताओं की परसेंटेज बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी फिर अपने कोर कॉम्बिनेशन की तरफ जा रही है। ये उसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि हरियाणा के रिजल्ट के बाद, या पीडीए ने जो वादे करे थे, या विपक्ष ने जो वादे करे थे लोकसभा के चुनाव में, वो वादे अब राज्यों के चुनाव में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जब हरियाणा का चुनाव होता है तो वो किसान, पहलवान और युवा पे लड़ा जाता है, वो संविधान पे क्यों नहीं लड़ा जाता? क्या आपका वो मुद्दा हल हो गया? मुद्दा हल नहीं हुआ था, लेकिन आपको मालूम था कि आप उसके बदले में बताओगे क्या। जब इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती है और कहती है यहाँ पे बाहरी लोगों का शासन है, हम आएंगे तो लोकल लोगों का शासन आएगा, तो पता चलता है ना कि विचारधारा क्या है। 370 के समर्थन की पार्टी के संग चुनाव लड़ते हैं और अब वो पार्टी जीतने के बाद इन्हें सरकार में नहीं रखती और वो कह रही है कि हम 370 से हमारा कोई मतलब नहीं है, जब कभी केंद्र में सरकार आएगी तो देखेंगे। तो अगर आप गोल पोस्ट जो है हर 2-3 महीने के चुनाव में बदलोगे तो बार बार गोल नहीं हो पाएगा। ठीक है मनीष भाई, रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। मनीष जी कह रहे हैं कि बार बार हर 3 त्रैमासिक आधार पर गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये तय जान लो। जोशी जी, पहले आपने मेरे ख्याल से कितनी लड़ी थी लोकसभा में सीटें, 63-67 कितनी लड़ी थी? हैं, जितनी भी लड़ी थी उसमें आपने 4 कुल दिए थे मुस्लिम चेहरे, इस बार 9 में 4 उतार दिए, बोले कतई आगे पिछली सब कमी पूरी कर दी जाओ, नहीं 45% के आसपास का रिप्रेजेंटेशन। ये वैचारिक परिवर्तन क्यों अचानक से, या रणनीतिक परिवर्तन क्यों? जोशी जी, आपका पीडीए और बीजेपी का पीडीए लड़ दोनों तरफ से पीडीए ही रहे हैं, तो ये वही है कि तेरी कमी से मेरी कमी अच्छी क्यों टाइप का मामला जी। मेरे को लगता है सबसे पहले मुझे राजनीतिक विश्लेषक साहब का जवाब देना चाहिए जी। मेरे ख्याल से जितना राजनीति शास्त्र को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जितना उसका मैं विद्यार्थी हूँ 30 साल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर का जो चुनाव होता है और स्टेट का जो चुनाव होता है, दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ये तो मनीष जी को जवाब था। अब जिम्मेदारी बनती है, जो आज मेन है होते हैं हौस साहब और हमारे बड़े भाई, उनकी बात को जवाब देना, क्योंकि वही उन्हीं के नियम के हिसाब से हमें मैच को खेलना है, अंपायर की भूमिका में भी होते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपका आभार आज मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि कम से कम जो पीडीए के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नफरत थी, और 2024 के परिणाम के बाद वो जो नफरत है वो बिल्कुल उच्च स्तर पर चली गई थी। आज किसी ना किसी बहाने आपने उनको भी पीडीए से जोड़कर उनको भी एक रास्ता देने का काम करा। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जो आपने नया सूत्र दिया है, उसके लिए मैं आपका विपक्षी होने के बाद भी आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। ये आपका अनुभव है कि कैसे आपने एक
विषय को हमारे से मिला दिया। चलिए अच्छी बात है, हमने जो राजनीति समझी है, जिस दौर से हम राजनीति से निकल के आए हैं, उस दौर की राजनीति में ये होता था कि अच्छाई कोई भी करे तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश को एक पीडीए का जो स्लोगन दिया, पीडीए के प्रति सामाजिक न्याय, जाति जनगणना को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, उसमें जो नफरत थी, जो कि अखिलेश यादव जी का सूत्र की नफरत के खिलाफ मोहब्बत होनी चाहिए, उस नफरत को भी मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो जोशी जी, वो राहुल गांधी की दुकान है उधर फंस जाओगे, उधर छोड़ दो आप ना, उधर न जाओ, उसमें कई घपले हैं, उसमें घपले कई हैं। आ रहा मतलब जो पीडीए के प्रति इनकी जो नफरत थी, उसको कुछ पीडीए का कहकर वो नफरत भी कम कर हो जाएगी, पहले। और दूसरा विषय बात था, जो आज का जो विषय है जिस पर आपने बहस चलाने का काम करा है, आज भारतीय जनता पार्टी देखिए हर मामले में बैकफुट पे है। नहीं नहीं जोशी जी, वो तो ठीक है, दोबारा में ही आप भाजपा को दोबारा में करके में खड़ा कर लेना। आप भी मेरा एक प्रश्न था, उस पर एक लाइन में जवाब दे दीजिए। आपने पूरे लोकसभा के चुनाव में 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए और यहाँ 9 में 4 उतार दिए, सुपर बम्पर सेल, बोले आ जाओ, 45% का रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। प्रकार देखिए, जिस प्रकार की नफरत भारतीय जनता पार्टी, एक स्लोगन था इनका, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, और वो नफरत हम देखते हैं इनके टिकटों के बंटवारे में, 12 में 17 में एक अल्पसंख्यक को नहीं देते। क्या ठीक है जोशी जी, अभी रुकना होगा, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि भाजपा की नफरत देखते हुए आपने फैसला किया कि आओ आओ टिकट ले, टिकट ले, आओ 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 आओ, तुरंत आओ टिकट पाओ, बोले छोड़ जितना मुसलमान दिखे सबको देंगे, कौन भाई का लाल है। अगर आपने ऐसा किया तो ठीक है, फिर तो आप फैसला लेने के स्वतंत्र हैं, लेकिन ये अब तक का मेरे ख्याल से 45% का रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन होगा मुसलमानों के लिए। मनीष अग्रवाल जरा खोजिएगा गूगल पे, क्या कभी किसी ने 45% का रिप्रेजेंटेशन दिया है टिकट में मुस्लिम्स को? सपा ने दिया इस बार, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई रणनीतिक वजह है क्या, वो जरा खोजिएगा, मैं मुझे भी ज्ञानवर्धन करिएगा। तब तक मैं अंकुर जी के पास चलता हूँ, फिर ओपी सिंह भाई के पास। अंकुर जी, पीडीए आपका भी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनका है और पिछड़ा दलित अगला आपका है, नहीं मतलब लड़ाई पीडीए बनाम पीडीए है मित्र? देखिए अमिताभ जी, हमारा पीडीए जो है वो सर्व समाज का पीडीए है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जैन सिंह जी ने जो टिकट दिया है, जो हमारे सिंबल पे कैंडिडेट लड़ रही है आदरणीय। अच्छा अंकुर जी एक बात बताओ, वो अभी बीजेपी में है टेक्निकली ना मीरा जी? सिंबल पे अगर उन्होंने हमारे नामांकन कर दिया है तो टेक्निकलिटी सर सब समाप्त हो चुकी है। हाँ, अभी तो पर्ची कटी जाएगी, ठीक है, सदस्यता की। हाँ, जी अगर वो नामांकन कर चुके हैं तो अब टेक्निकलिटी का कोई सवाल नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल की अधिकृत प्रत्याशी हैं। और आप देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय नेतृत्व ने एक महिला कैंडिडेट को उतार के कहीं ना कहीं महिलाओं की गरिमा की पुनर्स्थापना की है और महिला सशक्तिकरण का संदेश समाज में दिया है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे हम लोग सर्व समाज की पार्टी हैं और आधी आबादी को पूर्ण हम लोगों ने कह लीजिए। तो भाई समाज भाई, एक मिनट बाबू, समाजवादी ने भी सीसा मऊ में इरफान सोलंकी की बीबी को टिकट दी है, ये उन्होंने परिवार आधी आबादी को सम्मानित करने का काम किया, वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम लोगों के क्या मिथिलेश पाल जी स्वयं में एक आइडेंटिटी है, हमारे राजनीतिक दल से 2009 में बकायदा वो विधायिका रही है, इसके अलावा विधायक रही है, इसके अलावा दो दो बार वो हमारी पार्टी से 2012 और 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने सेल्फ आइडेंटिटी को प्रमोट किया है और ये अपने परिवार के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप यादव माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार के हैं या नहीं है? इनके आधे टिकट तो परिवार के लोगों को दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 मेंबरान इनके लोकसभा में पहुंच गए, उसी तरीके से जो इनके परिवार के लोग रह गए हैं तो वो अपने परिवार के लोगों को विधायिका में भी पहुंचाना चाह रहे हैं। उनने घुमा फिरा के एक माध्यम बना लिया है। ठीक ठीक, ओपी सिंह जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात याद दिला दी अंकुर जी ने, बड़ा गजब करहल में गजब लड़ाई करा दी। उत्तर भारत के पिछड़ों के दो बड़े चेहरे, एक दिवंगत हैं, एक हैं अभी, लालू जी और मुलायम सिंह जी, नेताजी। मुलायम सिंह के दामाद के खिलाफ लालू यादव के दामाद लड़ा दिए, बताओ।
को बड़ छोट कहा था अपराधु, कौन छोटा नेता कौन बड़ा नेता, कौन कहे और क्या कहे बताओ। स्थिति ये भाजपा ने जिसको उतारा वो मुलायम सिंह के दामाद हैं, उनके भाई के दामाद, इसका मतलब उनके दामाद धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं और तेज प्रताप लालू यादव जी के दामाद हैं। तो बताइए बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, फूफा और भतीजे में लड़ाई हो गई। अखिलेश जी कह रहे ये रिश्तेदारवादी पार्टी हो गई, हम परिवारवादी हैं तो ये रिश्तेदारवादी है। ओपी सिंह जी, परिवारवादी और रिश्तेदारवादी में क्या फर्क है एक, और दूसरा इनका पीडीए और आपके पीडीए दो में क्या फर्क है? चुनाव के पहले ताजी सब तो बंद दिया है, पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अखिलेश यादव कभी कभी कहते हैं कि पिछड़ा माने पिछड़ा दलित आदिवासी, फिर कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा। जब उनको घेरा गया कि भाई अगड़ों का वोट तो आपको चाहिए नहीं, कहा नहीं नहीं नहीं, एक का मतलब अगड़ा भी होता आदिवासी भी होता अल्पसंख्यक भी होता। इनका जिस दिन 1992 में इनकी पार्टी की स्थापना हुई तब से इतिहास ले लीजिए 2024 तक, मतलब कुल 32 साल। इस 32 साल में इनका तीन ही एजेंडा रहा है, पिता का भी एजेंडा वही रहा, पुत्र का भी एजेंडा वही रहा। क्या क्या रहा? परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण। अब आप कहेंगे कि ओपी सिंह आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोग बार बार भाजपा के लोग आप लड़ाते हो, कहते हो परिवारवाद जातिवाद, उसका मैं बताता हूं। उसका दो चीज है, पहली चीज तो ये परिवारवाद 1992 से 2024 तक 32 साल में समाजवादी पार्टी लोहिया विचारधारा के पास कोई अध्यक्ष नहीं मिला। कौन मिला? पिता, पिता के बाद पुत्र। चार बार मुख्यमंत्री रहे तो पिता, पिता के बाद पुत्र। एक तो ये उदाहरण मैंने दे दिया परिवारवाद का। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जब लोकसभा की सीटें जारी हुई तो सबसे पहले कौन सी सीटें जारी हुई? परिवार के पांच, दिब्बल, इनका, उनका, धान, पांच। और इस बार जब उपचुनाव हुआ तो 6 सीटें जारी हुई, जिसमें मिल्कीपुर को भी इन्होंने जारी की। उन 6 में 5 या तो सांसद का बेटा था या विधायक की पत्नी थी या किसी की बेटी थी या किसी की बहू थी, यही था ना, ये है परिवार में। जातिवाद नारा वही यम वाई, पहले क्या था यम वाई, मतलब मुसलमान और यादव। सोचा कि ये तो नारा गड़बड़ पड़ रहा है तो कर दिया पीडीए। पीडीए में भी वही दो तो कॉमन हो गए, पिछड़ा माने यादव और ए माने अल्पसंख्यक मुसलमान है। और अगर 9 में इन्होंने 4 सीटें दे दिया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? हम तो कहते कि 9 में 9 लड़ा देते। और कल आप देखिएगा जब यही मुसलमान कहेंगे कि भैया पिता पुत्र आपको हम प्रधान मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे हैं, हमारी बदौलत आप बन रहे हो, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री की सीट भी आप घोषित कर देते हो कि भाई मुख्यमंत्री जो होगा अगर 27 का चुनाव सत्ताधीश आप ही क्यों रहोगे, अखिलेश भैया ही सत्ताधीश क्यों रहेंगे? आप कह देते कि सत्ताधीश भी जो होगा वो पीडीए से होगा, ये सब नहीं चलेगा। सवाल होता है चुनाव का मुद्दे का, और जोशी जी कह रहे थे ना कि मुद्दे सब अलग अलग होते, कोई मुद्दा अलग अलग नहीं होता। हम तो आप भी चुनाव देख रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं लोकसभा विधान, नेता का मुद्दा अलग हो सकता है। नेता का, हमारा नेता था 14 से मोदी जी, 19 में मोदी जी, 24 में मोदी जी। इनका ये था कि पहले हम लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से, जीत जाएंगे तो फिर बंटवारा करेंगे, फिर तय करेंगे कि हमारा इनके पास बाकी क्या था। बाकी तो वही था, हमारा मुद्दा था विकास, हम उस मुद्दे पर लड़ते आए। उत्तर प्रदेश में विकास था 17 से मुद्दा, आज भी है, इस चुनाव में भी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 17 में भी था, इसमें भी है। हमने कहा हम सुशासन देंगे, हम सुशासन दे रहे, आज भी मुद्दा। हमने कहा था कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हम सबके लिए, जो हमको वोट देते उसको भी, जो नहीं देता हम उसको भी। ऐसा तो है नहीं कि हमने केवल सैफई का विकास कर लिया, इटावा मैनपुरी सैफई का, बाकी प्रदेश के हिस्सों को छोड़ दिया। हमने तो अयोध्या का भी विकास किया, मणिपुरी का भी विकास किया, हमने तो कोई भेदभाव। और दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं चल रही है वो जिसको ये अपना सिर पर रखते हैं हम उनको भी देते हैं और एमओआई को भी देते हैं, हम तो सब। मुद्दा ये है
मुद्दा ये पीडीए उठिए नहीं चलेगा। और देखिएगा इन्होंने मुद्दा चलाया 2024 में, क्या चलाया? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, यही मुद्दा इनका मुख्य था। ठीक है, ओपी सिंह ठीक है।